स्त्री के बच्चियों के साथ छेड़खानी के मामले को लेकर विरोध बढ़ता ही चला जा रहा है। आक्रोशित परिजन स्कूल का गेट, मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मामले को संज्ञान में लिया है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी स्कूल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को भी सस्पेंड किया। फिलहाल पुलिस स्कूल के दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ कर रखी है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदलापुर में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। ठाणे महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया है लोगों ने। लोगों का रोष बढ़ता ही चला जा रहा है और जो लोकल सेवा है जिसे रोज ट्रैवल करते हैं लोग ऑफिस के लिए, अपने ज़रूरत के लिए, वो सेवा भी, लोकल सेवा भी अब पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ये ठाणे महाराष्ट्र की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई थी वो तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही जिन्हें आरक्षण से नौकरी मिलने की उम्मीद है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्हें नौकरी मिली थी वो अपनी नौकरी की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई थी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द से जल्द नई सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो नए सिरे से सूची जारी करने की मांग यहां पर इनकी तरफ से उठाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जहां पर जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट लखनऊ में जारी है। लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे में अगर चयन सूची परिवर्तित होती है तो लोगों का जिला बदलेगा, ब्लॉक बदलेगा, स्कूल बदलेगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। उसी संबंध में हम लोग की आज वार्ता महंसक महोदया से हुई है, लेकिन उनका भी कोई अस्पष्ट मत नहीं है। उनका एक तरफ वो कह रही हैं कि हम माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 860 लोगों को अंदर किया जाए, 800 लोगों को बाहर करके, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि किसी के साथ अहित न होने दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें एक निश्चित समाधान निकाले जाने तक संभव नहीं है। एक सरकार अस्पष्ट अपना प्रेस नोट जारी करे, उन 860 लोगों को नौकरी दी जाए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कार्य शिक्षक हैं, जो कार्य शिक्षकों की वो एक दिन में हो सकता है, उसके लिए 3 महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि कुछ ना करना पड़े। 5 जनवरी 2022 को मैम हमारा शेड्यूल जारी नहीं हुआ था, हमारी लिस्ट आ गई थी जिसमें अपना नाम देख के हम लोगों ने अपने अपने घर पे मिठाई बांटी थी। आज पास पड़ोस के लोग मजाक बनाते हैं कि तुम्हारी तो 5 जनवरी 2022 को नियुक्ति हो रही थी, आज तक नहीं हुई। तो जब लिस्ट आने के बाद नियुक्ति नहीं मिली तो एक हम कोरे प्रेस नोट पे कैसे भरोसा कर लें? जब तक काउंसिल शेड्यूल नहीं जारी हो जाता, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग मर जाएंगे लेकिन प्रांगण खाली नहीं करेंगे। इस कमिटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं।